लोकपाल चयन समिति के सदस्य के तौर पर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का चयन किया गया है और यही है हमारा आज का केस ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर। 30 साल पुराने रोड रेस के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी पाया और मामूली जुर्माना लगाकर बरी कर दिया। इसी मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रोडरेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के 30 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में सिद्धू को दोषी ठहराया है, जिसके लिए उन्हें जेल की सजा तो नहीं मिली है, लेकिन उन पर 1,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले के दूसरे आरोपी रुपिंदर सिंह संधू को भी बरी कर दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू और रुपिंदर सिंह संधू पर 1998 में पटियाला में कार से जाते समय गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू और रुपिंदर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सिद्धू ने याचिका में कहा था कि वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। सिद्धू की तरफ से कहा गया कि इस मामले में कोई भी गवाह खुद से सामने नहीं आया। जिन भी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं उनको पुलिस सामने लाई है। गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं। सिद्धू की तरफ से ये भी कहा गया था कि मेडिकल रिपोर्ट में भी व्यक्ति की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। हालांकि पंजाब सरकार और पीड़ित के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला सही है और सिद्धू को दी गई 3 साल की सजा बहाल रखी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज जस्टिस जे चलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। विवेक सिंह चंदेल, APN, दिल्ली। विवेक सिंह चंदेल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ निकलकर सामने आया सिद्धू के मामले में, राहत कही जा सकती है सिद्धू के लिए? राहत सुप्रीम कोर्ट से सिद्धू को जरूर मिली, बहुत बड़ी राहत है उनके लिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा दे दी थी। तो इसका मतलब था कि उनका 3 साल की सजा अगर उनकी बरकरार रहती तो उनका 9 साल तक राजनीतिक करियर बिल्कुल नहीं चल पाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको इस मामले में बरी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 40 पेज के जजमेंट में जो चीजें कोट की है, शुरुआत से ही उन्होंने कोट करना शुरू कर दिया था कि कैसे गुरनाम सिंह के साथ जब उनके बीच हाथापाई हुई तो कितने बजे वो जाते हैं और कितने बजे उनकी मौत होती है। तो उसमें 3 चीजें साफ साफ निकल के आती है, जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के हिसाब से ये साफ कर दिया है कि सिर्फ शक के आधार पे किसी को कन्विक्शन नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था वो सही था। दूसरी चीज ये कि जो उनका मौत का कारण था वो सिद्ध नहीं हो पाया कि आखिर मौत किस वजह से, क्या उनके मारने की वजह से हुई या उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, और पोस्टमार्टम में भी ये चीज वेरीफाई नहीं हो पाया था। तो सिर्फ शक के आधार से उनसे गैर इरादतन हत्या का मामला चले, ये सही नहीं होगा। इसी का लाभ देते हुए उनको हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए एक बड़ी राहत यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को। शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए आपका। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील राजीव धवन ने कहा कि इस मामले को लेकर अदालत के बाहर बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद होनी चाहिए। इस मामले में बहुत ज्यादा प्रेशर है और ये संवेदनशील मामला है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि ESI के सबूत होने के बात कही गई है, लेकिन इस पर चर्चा तभी होगी जब यह तय होगा कि इस्माइल फारूकी के फैसले को संविधान पीठ में समीक्षा के लिए भेजा जाए या नहीं। दूसरी तरफ रामलला विराजमान की तरफ से पेश वकील के पराशरन ने इसका विरोध किया और कहा कि इस्माइल फारूकी फैसले में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए। और इस मामले पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन से बात की हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल ने। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में राजीव धवन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से उनका पक्ष रखा और वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से K.Parasaran साहब ने अपना पक्ष रखा। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन जी, उनसे बात करते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, आप ये बताएं कि आज भी राजीव धवन ने वही अपना पक्ष रखा, उसके बारे में पहली बात बताएं। देखिए, राजीव धवन साहब का आज आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया है और उनका बेसिक दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने ये थी कि इस्लामिक
प्रैक्टिस के लिए मस्जिद होना बहुत जरूरी है और इस्माइल फारूकी केस में इस चीज को गलत तरीके से डिसाइड किया गया, इसलिए इस मैजिस्ट्रेट को संवैधानिक पीठ को भेजा जाए, ये इनका मूल आर्गुमेंट है। अच्छा, ये जो आज के पराशरन साहब ने अपनी दलील शुरू की थी जो कि अभी परसों भी जारी रहेगी, उसके बारे में बताएं। देखिए, पराशरन साहब का कहना यह है कि अगर आपको ये आर्गुमेंट करना था तो आप 1992 में करते जब इस्माइल फारूकी का जजमेंट आया था, या आप जब ये मैटर हाईकोर्ट के सामने डिसाइड होने वाला था तब करते या उससे पहले करते। आज जब इतना समय बीत चुका है और उस जजमेंट पे एक्ट अपॉन किया जा चुका है तब इस चीज का कोई मतलब नहीं है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, आपका आगे का रुख क्या होगा, क्योंकि परसों भी होना, परसों भी दलील रखी जाएगी हिंदू पक्ष की तरफ। देखिए, हमारा क्लियर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ये मैटर डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं और एकदम ही तैयार हैं, क्योंकि इस मामले में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज नहीं होता है आर्टिकल 145 के परिवेक्ष में, इसलिए इस मैटर को संवैधानिक पीठ को भेजा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में सीलिंग और अवैध निर्माण के मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अवैध निर्माण को रोकने के लिए कठोर नियम ला रही है और जिसमें अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। केंद्र ने कहा कि नियम के तहत अगर अवैध निर्माण कराने में निगम और डीडीए के ऑफिसर शामिल किए गए तो उनके खिलाफ पीसी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कोर्ट में कहा कि बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 20 जून तक सुपरटेक को 5 करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए फ्लैट खरीदारों का हित सबसे ऊपर है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र डांस बार मामले में डांस बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पाबंदी हट जाने के बाद भी प्रदेश सरकार डांस बार के लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही है और नए लाइसेंस भी नहीं दिए जा रहे हैं। डांस बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो इस मामले में राज्य सरकार को आदेश दें कि सरकार लाइसेंस जारी करे और लाइसेंस को रिन्यू भी करे। डांस बार मालिकों की हस्तक्षेप अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश सरकार को 6 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना है, जिसके बाद मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार पर लगाई गई पाबंदी को हटा लिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस को लेने के लिए नियम कड़े कर दिए थे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर श्री संत को बीसीसीआई के आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने श्री संत को स्कॉटलैंड काउंटी लीग मैच में खेलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। श्री संत ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें देश में ना सही विदेश में खेलने की इजाजत दी जाए। वहीं इस मामले में बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि निचली अदालत से श्री संत को जो राहत मिली थी वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है और उसका निपटारा जुलाई तक हो जाएगा, तब तक उन पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट श्री संत सहित कुछ अन्य क्रिकेटरों को आरोप मुक्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जुलाई तक फैसला करे। अब बात करेंगे केस ऑफ द डे की। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी लोकपाल चयन समिति का हिस्सा होंगे और यह जानकारी आज केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्र ने बताया कि 11 मई को पीएम, सीजेआई और लोकसभा स्पीकर की बैठक हुई। इसमें चयन समिति के सदस्य कानूनविद के तौर पर मुकुल रोहतगी को चुना गया है। अब लोकपाल चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संतोष जताया और अब मामले की सुनवाई 2 जुलाई को होगी। लोकपाल की नियुक्ति के मामले में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति जल्द करेगी और कोर्ट ने उस वक्त लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इनकार किया था। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि नामचीन हस्ती की नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया जारी है। 27 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति बिना नेता विपक्ष के भी हो सकती है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जानकारी दी। केंद्र में लोकपाल नियुक्ति का मामला पीएम, लोकसभा, सीजेआई, स्पीकर की बैठक हुई है इस मामले को लेकर, लोकपाल नियुक्ति को लेकर कानूनविद के तौर पर मुकुल रोहतगी का चयन किया गया है।
मुकुल रोहतगी लोकपाल चयन समिति का हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में जानकारी दी है। लोकपाल नियुक्ति का मामला पीएम लोकसभा सीजीआई स्पीकर की इस पूरे मामले में बैठक हुई। कानूनविद के तौर पर मुकुल रोहतगी का चयन तो केंद्र में लोकपाल नियुक्ति का मामला मुकुल रोहतगी का चयन हुआ है। लोकपाल चयन समिति का हिस्सा वो होंगे और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, केंद्र में लोकपाल नियुक्ति का मामला है, मुकुल रोहतगी का चयन किया गया है, क्या जानकारी आप है? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया था कि 11 जब मई को हमारी बैठक हुई थी उस दौरान ही इस नाम को तय कर लिया गया था कि जो अटॉर्नी जनरल पूर्व अटॉर्नी जनरल थे भारत के जो मुकुल रोहतगी उनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि जब आप इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं तो इस पर इस वक्त कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है और इसी वजह से जो मुकुल रोहतगी का जो चयन है वो कर लिया गया। अब लोकपाल की नियुक्ति में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पीपी राव जो इससे पहले जो न्यायाधीश के रूप में चयनित किए गए थे उनकी पिछले साल ही मौत हो गई, इसकी वजह से वो पद खाली था। तभी कॉमन कॉज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस मामले में नियुक्ति नहीं की जा रही है तो जो केंद्र है केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में हमारे पास कोई न्यायाधीश नहीं है, उसकी चयन प्रक्रिया चल रही है और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकती, इसी वजह से लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती, इसी वजह से इस बात का ध्यान देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि आप इस बारे में जल्दी से जल्दी आप तय करें कि आप इस प्रक्रिया में कितना समय लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला सामने आया तो केंद्र ने इस बात को कहा कि हम इस मामले में अपनी प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बता दिया कि आज जो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे पीपी राव उनकी जगह पे अब पूर्व जो अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी उनको तय कर लिया गया। बिल्कुल शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाने का न्योता देने की स्थिति में कांग्रेस राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस बारे में याचिका तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक में आज चुनाव नतीजों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन पूर्ण बहुमत से वो 8 सीट दूर है। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और बहुमत साबित करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। उधर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देने की चिट्ठी सौंपी है। अब राज्यपाल वजूभाई वाला को तय करना है कि सरकार बनाने का न्योता किसे दें। अगर राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं तो कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह पुलिसकर्मियों से नियमित तौर पर 8 घंटे या अधिक की ड्यूटी ना ले, साथ ही साल में 45 दिन की अतिरिक्त सैलरी देने को भी कहा है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि राज्य में पुलिसकर्मी रोज 10 से 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं जिस कारण उनके समक्ष हालात कठिन होते जा रहे हैं। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस शरद कुमार शर्मा की बेंच ने राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश पर पुलिस कल्याण के लिए 3 माह में कॉर्पस फंड बनाने, आवासीय स्थिति में सुधार के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने पर, हर पुलिसकर्मी को सेवा काल में 3 पदोन्नति के लिए पुलिस नियमावली में जरूरी संशोधन करने, अवकाश मामले में उदार रवैया अपनाने, रिक्तियों को भरोसे करने के लिए विशेष चयन आयोग का गठन करने, हर पुलिस स्टेशन और पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में जिम व स्विमिंग पूल बनाने जैसे कई अहम दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और उनके सहयोगी जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने कोर्ट में पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा की लाइव तस्वीरें देखी। कोर्ट खुलने के साथ ही बार एसोसिएशन के एक सदस्य ने मुख्य न्यायाधीश को पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में हो रही हिंसा व मौत के बारे में बताया। इसके बाद स्मार्टफोन पर टीवी चैनल लगाकर चल रही हिंसा को लाइव को सहयोगी न्यायाधीश के साथ देखा। बार एसोसिएशन के उक्त सदस्य ने खंडपीठ से चुनाव आयोग, मुख्य सचिव व गृह सचिव को कोर्ट में तलब करने का भी अनुरोध किया ताकि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित हो सके।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिए हैं कि वो शिमला कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर साल 2015 और 2016 में बने सभी तरह के निर्माणों से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम अदालत को बताए। कोर्ट ने साफ किया कि उन सभी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग के आसपास अवैध निर्माण होने दिए और जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। साल 2008 में मुंबई हमलों को लेकर बयान देने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में देशद्रोह की एक याचिका दाखिल की गई है और ये याचिका राजनीतिक दल पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडपुर ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि शरीफ का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की संस्थाओं के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि नवाज शरीफ का बयान देशद्रोह के समान है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तो कोर्ट राउंडअप में इतना ही, बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।